आपका स्वागत है। काठगोदाम से देहरादून के बीच नई ट्रेन नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस का आज से शुभारंभ होगा। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। ट्रेन का देहरादून तक का एसी चेयर का किराया 555 रुपये, नॉन एसी चेयर कार का 165 रुपये है। आपको बता दें कि सांसद अनिल बलूनी ने अधिकारियों के साथ शुक्रवार को काठगोदाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुख्यमंत्री के लिए मंच बनाने को लेकर मंथन किया गया, फिर स्टेशन के बाहर पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ होगा। काठगोदाम से देहरादून के बीच ये ट्रेन चलेगी और इसका शुभारंभ रेल मंत्री पीयूष गोयल करेंगे और इसको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रवाना करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल रेल को हरी झंडी दिखाएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस का आज शुभारंभ होगा और रेल मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। काठगोदाम से देहरादून के बीच नैनी दून एक्सप्रेस चलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल सीएम रावत दिखाएंगे हरी झंडी। हमारे साथ अंकित शाह संवाददाता जुड़ रहे हैं। जी अंकित, ये कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा और कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है? देखिए, आपको बता दें कि आज यहाँ पर नैनी दून एक्सप्रेस यहाँ पर से रवाना होने वाली है और जिसका उद्घाटन अभी कुछ ही देर में यहाँ पर होने वाला है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री को भी इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन मौसम ज्यादा ही खराब है, इस वजह से मुख्यमंत्री का आना स्थगित हो गया है। वहीं इस कार्यक्रम में भी सांसद भगत सिंह कोश्यारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल सोनी, विधायक, तमाम कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। जी अंकित, इस ट्रेन के चलने से लोगों को कितना फायदा होगा, क्या सुविधा मिलेगी? जिस तरह से ट्रेन का आगाज हो रहा है उससे जनता को काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जो देहरादून के लिए कोई विकल्प नहीं था और आज ये विकल्प मिल चुका है और जनता लाभार्थी हो रही है कि ये ट्रेन काठगोदाम से देहरादून चल रही है। और अब लिहाजा देखना पड़ेगा कि ये इसका किराया क्या जाता है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है और अगर किराया भत्ता सही होता है तो आने वाले समय में जनता को इसका खूब लाभ होगा। जी जी अंकित, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। काठगोदाम से देहरादून के बीच ये नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेगी और रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री सीएम रावत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।